भाई बीते एक महीने में इंडियन क्रिकेट टीम ने टेस्ट फॉर्मेट में अपने नाम का डंका बजाया है और इस पूरी कहानी के महानायक रहे हैं इंडियन स्पिनर्स अश्विन और अक्सर, जहां अश्विन ने गेंदबाजी के साथ साथ बल्ले से भी धमाल मचाया है और जिसके चलते हाल ही में आईसीसी ने फरवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड रविचंद्रन अश्विन को दिया है। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट लाइन गुरु। दोस्तों, अश्विन के लिए फरवरी का महीना रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है, जिसका अंदाजा हम इनके नंबर गेम से लगा सकते हैं। फरवरी के मंथ में टोटल 3 टेस्ट मैचेस अश्विन ने खेले हैं और 15.70 के औसत से 24 विकेट्स अपने नाम किए हैं, जिसमें कि 2 5 विकेट हॉल्स शामिल हैं। बेस्ट फिगर इनका रहा है 61 रन्स पे 6 विकेट। बात करें इनके बल्लेबाजी की तो 35.20 के औसत से 176 रन्स इन्होंने बनाए हैं, जिसमें कि 1 सेंचुरी शामिल है। यही नहीं, अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था। सेकेंड इनिंग्स में जोफ्रा आर्चर का विकेट अपने नाम करते ही ऑफ स्पिनर ने 400 विकेट क्लब में एंट्री करी थी, जिसके बाद जैक लीच का विकेट लेते हुए टोटल 401 विकेट्स के साथ फरवरी को इन्होंने बाय बाय किया था। खैर, बात करें 400 विकेट क्लब में शुमार होने की, तो अश्विन के अलावा 15 और क्रिकेटर्स हैं जो इस क्लब में ऑलरेडी शामिल हैं, जिनमें मुथैया मुरलीधरन, हेडली, स्टेन, हैरात, अनिल कुंबले, मैकग्राथ, वॉर्न, वसीम अकरम, हरभजन सिंह, एम्ब्रोस, पोलक, एंडरसन, वॉल्श, कपिल देव और एससीजे ब्रॉड शामिल हैं। लेकिन मुथैया मुरलीधरन ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने महज 72 मैचेस में ही इस माइलस्टोन को अचीव किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुथैया मुरलीधरन ने करियर में टोटल 800 विकेट्स लिए हैं और यही रीजन है कि लोग उन्हें एज अ बॉलर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर, अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में 8 विकेट्स अपने नाम करते हुए करियर में 24.69 के औसत से 409 विकेट्स चटका चुके हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ अश्विन ने सेकेंड टेस्ट मैच में गियर शिफ्ट करा था। अपने होम ग्राउंड चेन्नई में 8 विकेट अपने नाम से लेकर शानदार सेंचुरी अपने खाते में शुमार करी थी। इंडिया को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टिकट फाइनल कराने में भी अश्विन का बड़ा योगदान रहा है, जिसने 43 रन देकर फाइफर अचीव किया था और इंग्लैंड की टीम को 134 रन्स पर रोक दिया था। अश्विन के बल्ले से लगी ये फिफ्थ सेंचुरी ने इनके नाम एक और माइलस्टोन रजिस्टर करवाया था। 400 विकेट्स के साथ 5 सेंचुरीज लगाने वाले वो दूसरे खिलाड़ी हैं। इनके अलावा फॉर्मर इंडियन कैप्टन कपिल देव ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में 434 टेस्ट विकेट्स और 8 सेंचुरीज लगाई हैं। ये सारे अचीवमेंट्स को कंसिडर करते हुए एश को इंग्लैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। अब जरा तसल्ली से सीरीज में इनके अचीवमेंट्स को भी देख लेते हैं। ही वॉज द टॉप विकेट टेकर इन द सीरीज, जहां 14.71 के एवरेज से 32 विकेट्स इन्होंने चटकाए थे, जिसमें से 3 5 विकेट हॉल्स शामिल हैं, जिनमें 2 फाइफर्स फरवरी के मंथ में अचीव किए थे। 31.50 के औसत से 189 रन्स बनाकर अश्विन इस सीरीज में फिफ्थ टॉप स्कोरर रहे थे। यही नहीं, ग्लोबल लेवल पर फरवरी के मंथ में अश्विन ने 35.20 के औसत से 176 रन्स बनाए थे और 8th पोजीशन पे रहे थे। तो भाई लोग, ये थे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिनके नाम रहा था फरवरी 2021। दोस्तों, आज के वीडियो में यही लगाते हैं फुल स्टॉप, लेकिन क्रिकेट के अपडेट्स आपको 24/7 मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।